आज हम बनाएंगे हेल्दी चाट। उसके लिए हमें मिर्चा, धनिया की पत्ती, कटा हुआ प्याज और मैंने छोटे चार टमाटर लिए हैं। टमाटर को हमने कट कर लिया है। मैंने आलू और मटर को पहले से उबाल के रखा है, उसे हमने मैश कर लिया है। अब हम एक कढ़ाई लेंगे, कढ़ाई को गर्म होने देंगे। जब कढ़ाई गर्म हो जाएगा तो उसमें तेल डाल देंगे। अब हम उसमें मिर्चा डाल देंगे। मिर्चे को अच्छी तरीके से फ्राई कर लेंगे। अब हम इसमें प्याज डाल देंगे। प्याज को गोल्डन ब्राउन होने तक हम इसे ढक के पका लेंगे। प्याज हमारा गोल्डन ब्राउन हो गया है। अब इसमें हम कटे हुए टमाटर डाल देंगे। टमाटर को भी 2 से 3 मिनट तक अच्छी तरीके से पका लेंगे। टमाटर हमारा पक गया है। अब हम इसमें थोड़ा सा गरम मसाला, थोड़ा सा हल्दी पाउडर और नमक स्वाद अनुसार डाल देंगे। हमने बहुत अच्छी तरीके से मसाले को मिला दिया है। अब हम मटर और आलू को भी मिला देंगे। मसाले में अच्छी तरीके से इसे मिला देंगे। मसाला में अच्छी तरीके से हमारा आलू और मटर मिल गया है। अब हम इसमें धनिया की पत्ती डाल देंगे। इससे हमारा चाट देखने में बहुत ही सुंदर लगता है। आप देख सकते हैं कि चाट देखने में कितना सुंदर लग रहा है, खाने में भी बहुत टेस्टी है। आप भी ज़रूर ट्राई करें। ये बहुत ही टेस्टी चाट बना है। मैंने इसमें ज़्यादा मसाले का यूज नहीं किया है। बहुत ही हेल्दी चाट बनाया है।